हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं। आज हम लोग आर्टिकल 35 है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको बता दें, आर्टिकल 35 है, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित करके भारत के संविधान में जोड़ा था। जबकि आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। ये दोनों ही अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं देते हैं, जो कि भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को नहीं मिलती। आपको बता दें, यहाँ आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 भारत के संविधान में दो ऐसे आर्टिकल हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट सन 1952 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था, अर्थात जम्मू कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गए थे। सन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 का विवादित कानून अनुच्छेद 35 ए बनाया गया था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दिल्ली एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हुए एक पिक्चर है जिसमें दिख रहा है सर। आपको यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया था। इस संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, साथ ही उसने वहाँ संपत्ति हासिल की। आर्टिकल 35 क्या है देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 35 संविधान में शामिल प्रावधान जो जम्मू कश्मीर विधान मंडल को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह यह तय करे कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदना का अधिकार होगा, किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता किसे और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। आर्टिकल 35 ए यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 35 जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार स्थायी निवासियों से जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो आज़ादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किस तरह की सहूलियत दे अथवा ना दे। आर्टिकल 35 ए भारतीय संविधान में कब जुड़ा, तो आपको बता दें, आर्टिकल 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 जोड़ा गया था। आपको यहाँ बता दें कि इसे संसद में पारित नहीं किया गया था, संसद में, ठीक है, तो ये अस्थाई है। 35 ए आर्टिकल में मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। यह आर्टिकल किसी गैर कश्मीर व्यक्ति को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकता है। अगला है, भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर की स्थायी निवासी नहीं बन सकता है, इसी कारण यहाँ वहाँ वोट नहीं डाल सकता है। अगला है, अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। अगला है, यह आर्टिकल भारत के नागरिक के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत लागू होने के कारण भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों से वंचित कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को नागरिकता दी जा गई है। अभी हाल ही में कश्मीर में म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को भी कश्मीर में बसने की इजाज़त दी गई थी। वर्तमान में, अब इसे बात देखते हैं, वर्तमान में इसे हटाने की मांग क्यों चल रही है। इसे हटाने के लिए पहली दलील यह है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया। दूसरा है, देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शरणार्थी भारत आए, इनमें से लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू कश्मीर राज्य में ही रह रहे हैं और उन्हें वहाँ की नागरिकता दी गई। अगला है, जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35 के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया। इन वंचितों में 80% लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाएं अन्य भारतीय नागरिकों के साथ
कि जम्मू कश्मीर सरकार आर्टिकल 35 एक ही आड़ में लेकर भेदभाव करती है। वर्तमान स्थिति की देखते हैं तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में शिकायत की थी कि आर्टिकल 35 के कारण संविधान पर दत्त उसके मूल अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में छीन लिए गए, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द करे। ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 370 के कारण बहुत से विशेष अधिकार मिले हुए, जिससे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक और भारत मौजूद है जिसका अपना अलग संविधान है, नागरिकता है और अपना राष्ट्रीय झंडा है। ऐसी स्थिति भारत के एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे को बिना किसी देरी के सुलझाना चाहिए। तो ये दोस्तों अपना आर्टिकल 35 है।